स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज मैं आपसे बात करने के लिए जुड़ी हूं वो जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में, या यूं कहूं कि देश भर में सबकी जुबान पर है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में दोबारा से आती है, 17 में पूर्ण बहुमत और 2022 में भी पूर्ण बहुमत। 2017 के लिए कहा जाता है क्योंकि उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे और उनकी इच्छा थी कि उनको मुख्यमंत्री पद पर बैठाया जाए। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री नहीं बन सके, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने प्रदेश का संचालन बखूबी किया। यही वजह है कि जनता जिस तरह से उनको सपोर्ट कर रही थी, उसके बाद 2022 में एक बार फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। कहा तो यह जाता है सूत्रों के मुताबिक, या फिर राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने उस चीज को अपने मन पर इतना ज्यादा हावी होने दिया कि वो लगातार सरकार के खिलाफ या पार्टी को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर लगातार बातें करते रहे। उनका कहना है कि संगठन बड़ा है और पार्टी बड़ी है। दरअसल ये जो बयान है उनका पिछले करीब 7 सालों में नहीं आया सामने, या उन्होंने खुलकर कभी ये बात नहीं कही, लेकिन अब पिछले दिनों जब भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक हुई थी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, उस वक्त उन्होंने मंच से ये बात कही। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपनी बातों में ये कहा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं गिरना चाहिए, कार्यकर्ताओं को मजबूती से काम करना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता ही पार्टी की बैक है, यानी पार्टी को मजबूत करते हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को काम करते रहना चाहिए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद उनको दिल्ली तलब किया गया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, यानी दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात की। हालांकि कार्य समिति की जब बैठक हो रही थी उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य जब बोल रहे थे, जेपी नड्डा वहां पर मौजूद थे, उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल्ली में जब करीब 1 घंटे तक दोनों ही नेताओं की मुलाकात हुई तो कई बातें, कई कयास लगाए गए। हालांकि इन कयासों के बाद ये समझा गया कि हो सकता है कि जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य को समझाया गया है उसके बाद वो शांत हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें ये कहा गया था कि सरकार के खिलाफ जाकर कुछ नहीं करना है, आपको संगठन को मजबूत करना है, संगठन की जिम्मेदारी हर एक नेता पर है और सब संगठन को मजबूत करेंगे। उपचुनाव नजदीक है, ऐसे में सरकार के खिलाफ या प्रदेश में कोई भ्रांति ना फैले ऐसा कोई बयान नहीं देना है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य यहीं नहीं रुके, अपने इस बयान के बाद उन्होंने पिछले 3 से 4 दिनों में बैक टू बैक सोशल मीडिया पर ऐसी ही बातें कही हैं। आज भी केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले 3-4 दिनों में आज भी केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि सरकार संगठन से बड़ी नहीं हो सकती है और कार्यकर्ता ही मेरा गौरव है। और यह कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के इस सोशल मीडिया पर लिखे जाने के बाद, इस बात को, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात को लिखे जाने के बाद, कार्यकर्ता भी अब खुलकर सामने आ गए हैं, और वो भी कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं और उनकी ही बात को दोहरा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें सरकार चलाना है, उनको प्रदेश को मजबूत करना है, प्रदेश की जनता के लिए काम करना है। तो उनका यह कहना है कि नेता अगर नाराज है उस पर बात बात की जाएगी। हालांकि ऐसी कोई नाराजगी है ही नहीं, लेकिन जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, अगर ऐसा है तो बाद में इस पर बातचीत की जाएगी, पहले मुझे प्रदेश की जनता के लिए काम करना है और उनके लिए मैं हमेशा आगे भी काम करता रहूंगा। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने 30 मंत्रियों की बैठक बुलाई, जिस पर अखिलेश यादव हमलावर हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 30 मंत्रियों की बैठक तो बुला ली गई है, लेकिन ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य कहाँ हैं? तो इस पर भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी दलों की सफाई सामने आई है। वो ये कह रहे हैं कि ये बैठक उन 30 प्रभारी मंत्रियों की थी जिनको जिम्मेदारी 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए दी गई है। 10 सीटें फेहरिस्त लंबी है, कुछ सीटों के नाम आपको बता देती हूँ। करहल, सीसामऊ, मिल्कीपुर, जो अयोध्या की सीट खाली हुई है, गाजियाबाद की सीट, क्योंकि यहाँ से सांसद चुने गए हैं जो नेता पहले विधायक थे, इसलिए ये सीटें खाली हुई हैं। कुल 10 सीटें ऐसी हैं, इसलिए इन पर उपचुनाव होने हैं। कहा तो ऐसी भी बातें कही गई समाजवादी पार्टी की ओर से भी, उनके नेताओं की ओर से भी, कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 5 से 7 सीटें ऐसी हैं जिस पर सपा मजबूत है। लेकिन मुख्यमंत्री का ये साफ कहना है जो जनता के लिए काम करेगा वही मजबूत होगा। हाँ, अब इस बीच दिल्ली में जो मुलाकातें हुई हैं उस पर सबकी नजरें हैं। दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में नहीं मौजूद हैं। इस पर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर निशाना साधा है, और केवल इसी पर नहीं, उन्होंने सरकार को लेकर कई बातें कही हैं। उनका कहना है कि टीचर्स के लिए डिजिटल अटेंडेंस की बात कही जा रही है कि टीचर्स आएंगे, डिजिटल अटेंडेंस लगाएंगे, उसके बाद क्लासेस में जाएंगे, ये भी गलत है। समाजवादी पार्टी इसका भी विरोध करती रही है। बुलडोजर चलाए जाने का विरोध अखिलेश यादव ने किया। इसी दौरान उन्होंने ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों डिप्टी सीएम के बैठक में शामिल नहीं होने पर कहा कि भारतीय जनता
जनता पार्टी में अंदरूनी कलह है और ये अंदरूनी कलह सीटों को लेकर है। प्रमोद तिवारी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मेरा 44 सालों का अनुभव है, मैंने कभी सरकार जिस पार्टी की रही है उसके भीतर ऐसे खींचतान नहीं देखी है, यानी भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि सरकार के मंत्री, खुद मुख्यमंत्री और जो सहयोगी दल है वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि केवल एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, केवल अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो बातें विपक्ष की ओर से कही जा रही हैं वो ठीक नहीं है, उपचुनाव के पहले ये सरकार की इमेज बिगाड़ना चाहते हैं इसलिए ऐसी बातें कह रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 30 प्रभारी मंत्रियों की बैठक लेकर उनसे बातचीत करके ये साफ कर दिया है कि जिन जिन जगह की जिम्मेदारी आपको दी गई है इन 10 सीटों में उपचुनाव में, आप उन सीटों पर जाएं, जनता तक सरकार के कामों को पहुंचाएं और कार्यकर्ताओं को बताएं कि कैसे उन्हें और पार्टी को मजबूत करना है, क्योंकि अगर पार्टी रहेगी, पार्टी मजबूत होगी तभी सरकार रहेगी और सरकार सिर्फ कार्यकर्ताओं से बनती है, ये मुख्यमंत्री का कहना है। इस खबर पर जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में या सरकार में खींचतान की बात कही जा रही है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है, उस पर आपका क्या कहना है हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राजनीति से लेकर फिल्म जगत, क्रिकेट जगत या इंडस्ट्रियल कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं, व्यवसाय जुड़ी से जुड़ी कोई भी अपडेट हो, सब आप पे रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचाता रहेगा। और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो के लिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना न भूलें।